ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टेली ईआरपी 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स ऑप्शन का उपयोग करना और कस्टमर तथा सप्लायर की आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखना। अब मान लीजिए कस्टमर ए जो है 4 मई को ड्यू है उसका एक 3200 रुपये का बिल, मान लीजिए वो 3200 रुपये का पेमेंट करता है, तो इसकी एंट्री के लिए हम वाउचर में हमको जाना होगा। तो हम यहाँ से बाहर आते हैं। ये अब हम वाउचर में आ गए हैं। अब चूंकि हमने 3200 रुपये रिसीव किए हैं इसलिए रिसीट में इसकी रिसीट वाउचर में एंट्री होगी। F6 हम प्रेस करेंगे। 29 तारीख डेट हमारी ऑलरेडी है। अब क्रेडिट होगा कस्टमर ए, कस्टमर ए हम चुन लेंगे और अमाउंट यहाँ पर डाल देंगे 3200 रुपये। अब यहाँ पर बिल वाइज डिटेल्स फॉर कस्टमर ए में मेथड ऑफ एडजस्टमेंट आता है, जिसमें से हम न्यू रेफरेंस आपको बता चुके थे कि जब भी कोई नया बिल लेंगे तो न्यू रेफरेंस आएगा। अगर एडवांस में पेमेंट किया जा रहा है या लिया जा रहा है तो वो एडवांस में जाएगा। अगर किसी बिल के अगेंस्ट हम पेमेंट कर रहे हैं या पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो वो अगेंस्ट रेफरेंस जाएगा। और अगर हमको पता नहीं है कि किस बिल के अगेंस्ट पेमेंट लिया जा रहा है या दिया जा रहा है तो उसको हम ऑन अकाउंट में डाल देंगे। अब यहाँ पर तो हमारा 3200 रुपये का बिल है जिसके अगेंस्ट पेमेंट हो रहा है तो हम अगेंस्ट रेफरेंस को चुन लेंगे। अब यहाँ पर पेंडिंग बिल्स की यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। अब हमको 3200 में दो बिल्स नज़र आ रहे हैं, 5 अप्रैल का और 9 अप्रैल का, तो कौन से बिल के अगेंस्ट ये पेमेंट जाएगा ये अगर देखना है, उसकी ड्यू डेट अगर हमको देखनी है तो यहीं हम उसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो उसकी ड्यू डेट हमको पता चल जाएगी। ये देखिए ये 5 मई इसकी ड्यू डेट है। तो ये जो एक नंबर का बिल है उसकी ड्यू डेट तो 5 मई है, पर एक तीसरे नंबर का बिल भी है उसकी ड्यू डेट देखना है तो बैकस्पेस करेंगे तो वापस पेंडिंग बिल्स की लिस्ट आ गई। अब नीचे वाले को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए पता चल जाता है इसकी ड्यू डेट है 4 मई। तो चूँकि इसकी ड्यू डेट 4 मई है तो पहले हम इसको ले लेंगे। और यहाँ पर देखिए ये ऊपर जो डेट आपको नज़र आ रही है ये यहाँ पर जिस दिन आप एंट्री कर रहे हैं उस दिन की डेट आपको यहाँ पर नज़र आएगी। एंटर प्रेस करेंगे, ये यहाँ पर डेबिट कैश हो गया। नरेशन हम लिख देंगे, कैश रिसीव्ड एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह से कस्टमर ए ने एक बिल का पेमेंट हमको कर दिया है। अब हम देखते हैं आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। इसके लिए स्केप की दबा करके यहाँ से बाहर आएंगे और अब हम जाएंगे डिस्प्ले में। डिस्प्ले मेन्यू में हम जाएंगे स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पर, यहाँ से हम जाएंगे आउटस्टैंडिंग्स में और यहाँ से लेजर में जाकर के हम देखेंगे कस्टमर ए का लेजर। अब यहाँ पर देखिए 9 अप्रैल का जो 3200 का बिल था वो चूंकि हमने रिसीव कर लिया है, उसका पेमेंट हो गया है, इसलिए अब वो इस लिस्ट में नज़र नहीं आ रहा है। अब मान लीजिए कस्टमर ए ने 31 मई को हमें 5000 रुपये का पेमेंट और किया। अब यहाँ से हम बाहर निकल के वाउचर में जाके उसकी एंट्री करते हैं। ये रिसीट वाउचर में हम ऑलरेडी हैं, पहले हम डेट चेंज कर लेंगे, 31 मई हमने डाला और क्रेडिट हो जाएगा कस्टमर ए, अमाउंट डाल दिया 5000 रुपीज़। अब यहाँ पर मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में फिर अगेंस्ट रेफरेंस हम चुनेंगे। अब कौन सा बिल हम ले रहे हैं तो ये पहला वाला 3200 रुपये का, ये 5 मई उसकी ड्यू डेट थी, ये हमने ले लिया। अब ये 3200 रुपये तो हमने इस बिल के अगेंस्ट ले लिए, अब इसमें 1800 रुपये और बच रहे हैं जो कि हम दूसरे बिल में एडजस्ट कर देंगे। एंटर प्रेस करेंगे और अब हम दूसरा ले लेंगे अगेंस्ट रेफरेंस, वापस हम चुनेंगे। अब ये हमारा एक बिल 4800 रुपये का एक पेमेंट बचता है तो इसमें हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर कैश डेबिट हो गया, यहाँ पर हमने नरेशन लिख दिया, कैश रिसीव्ड एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम देखते हैं वापस से आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। डिस्प्ले में जाएंगे, यहाँ पर स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, आउटस्टैंडिंग्स में जाएंगे और इसके बाद लेजर में जाएंगे। कस्टमर का लेजर हम खोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर 3200 का एक और पेमेंट जो हमने रिसीव कर लिया है वो भी यहाँ से अब चला गया है। अब आउटस्टैंडिंग में केवल एक बचता है 7 अप्रैल का एक बिल
जो 4800 रुपए का था, जिसमें से कि 1800 रुपए पे किए जा चुके हैं, यानी हमने 1800 रुपए रिसीव कर लिए हैं। अब केवल पेंडिंग अमाउंट जो बचता है वो है 3000 रुपए का। अगर इसकी डिटेल हमको देखना है तो ये सिलेक्टेड है, इसमें एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें यहाँ पर हमको इसकी डिटेल मिल जाती है कि 150 किलो शुगर हमने इनको बेची थी और 31 मई को हमने रिसीव किया है 1800 रुपए। अब मान लीजिए 1 जून को कस्टमर ए ने बचे हुए 3000 रुपए भी हमें दे दिए, तो अब हमको उसकी एंट्री करना है। तो या तो हम रिसीट वाउचर में जाकर के, जैसा कि हमने पहले बताया, रिसीट वाउचर में जाके उसकी एंट्री करें, या फिर बिल सेटलमेंट ऑप्शन की सहायता से भी हम उस एंट्री को कर सकते हैं। अब इसमें एक बात और आपको बता दें कि हमारे पास चूंकि एक ही बिल है जो हमको सेटल करना है तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, पर अगर 3-4 बिल्स होते हैं तो जिस बिल का सेटलमेंट करना हो वो सिलेक्ट करना होता है। हमारे पास एक ही बिल है तो वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब हम प्रेस करेंगे ऑल्ट बी। अब यहाँ पर हम वाउचर डेट 1 जून ये डाल देंगे अकाउंट में। चूंकि ये पेमेंट जो हमने रिसीव किया है वो कैश रिसीव किया है तो हम कैश अकाउंट चुन लेंगे। नरेशन हम यहाँ लिख देंगे कैश रिसीव्ड, एंटर प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये देखिए सीधे हम वहाँ से रिसीट वाउचर में आ गए हैं। अब इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ये एंट्री हो गई। और अब देखिए यहाँ पर जब हम आउटस्टैंडिंग्स देख रहे हैं तो कस्टमर ए का अब कोई आउटस्टैंडिंग बिल यहाँ पर नहीं है, उसने सारा पेमेंट हमको कर दिया है। टेली ईआरपी 9 के इस अध्याय में हमने सीखा मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स ऑप्शन का उपयोग करना और कस्टमर तथा सप्लायर की आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखना।